नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया ने आपका स्वागत करती हुई। तो आज हम विंका के प्लांट के बारे में बात करेंगे कि विंका के प्लांट को किस तरह से केयर की जाए, कैसे उसको रखा जाए और कैसे उसकी केयर की जाए। तो ज़्यादातर विंका ज़्यादा पानी की वजह से विंका मर जाते हैं, तो विंका को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वाला हाइब्रिड विंका है, एक छोटे से पोट में लगा हुआ है और इसकी कटिंग आप देख सकते हो। मैंने ये यहाँ पे भी लगा रखी है, ये देखिए, ये छोटी सी कटिंग लगा रखी है, उसमें भी इसने फूल दिया है, है ना। तो आप विंका को पहले, तो विंका अगर आपके पास है तो विंका की कटिंग लगा के सेव कर लेना चाहिए विंका को। तो अभी जब बारिशों का मौसम आएगा तो आप विंका की कटिंग को सेव कर सकते हो, और अभी भी 10 दिन बचे हैं। अगर किसी के यहाँ चलते हैं तो आप कटिंग लगा के देख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के हाथों से कटिंग पूरे साल चल जाती है और बहुत से लोगों से कटिंग नहीं चलती। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्या पता आपके यहाँ विंका की कटिंग लग जाए। वैसे तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है तो थोड़ा मुश्किल होता है गर्मी में कटिंग लगना, मगर फिर से यही कहूँगी, किसी किसी के हाथ से कटिंग चल जाती है। तो ये हाइब्रिड विंका है, तो इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे देखो लगा दी है। तो उससे पहले मैं दो प्लांट और भी बात कर, उसके बारे में भी बात करते हैं, देसी विंका के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देसी विंका वाइट रंग का है, अभी इसका फूल नहीं खिला, सुबह खिले थे तो हम तोड़ देते हैं। अभी एक सिर्फ एक फूल इसमें वाइट रंग का लगा, तो ये वाइट विंका भी बहुत अच्छा चलता है, भर भर के फूल देता है। तो वाइट विंका देसी वाला भी आप लगा सकते हो, हाइब्रिड भी आप लगा सकते हो, और इस साइड ये वाले विंका भी, ये भी देसी वाले हैं। ये देखिए, ये तो जहाँ मर्जी शीट गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं। तो ये वाला एक वेस्ट पोट में देखो, ऐसे डब्बे में काफ़ी सालों से लगा हुआ है। जब मुझे मंदिर के लिए इनमें फूल चाहिए होते तो हम इनमें से भी फूल ले लेते हैं, और ये भी भर भर के फूल देता है। एक जगह और भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो एक जगह तो ये वाला आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ये लगा हुआ है और एक जगह यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। इनको उगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देसी वाले तो जहाँ जहाँ शीट गिरते हैं खुद ही उग जाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ गुड़हेल में भी बहुत अच्छे से फूल लगे हुए हैं, सारे प्लांट्स में उधर भी लगे हुए हैं और उधर भी लगे हुए हैं। चलो, और इसने भी अलमंडा भी दे ही रहा है। तो चलो, मैं आपको विंका का प्लांट दिखा रही थी, वो दिखा देती हूँ कि वहाँ पे किस तरह से विंका का प्लांट एक कितने सारे फूल दे के अपने आप उगा हुआ है। ये देखिए, ये देख पा रहे हो, ये देखिए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ शीट गिरते हैं अपने आप ही ये इस तरह से फूल देता रहता है। और कितने बड़े साइज़ का फूल आप देख पा रहे हो, कितने बड़े साइज़ का इसमें, इसके अंदर फूल लगा हुआ है, ये देखिए, है ना। मैं इस वाले हाथ से तोड़ती हूँ, ये मेरे पास इसका प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए, ये फूल तोड़ देते हैं। तो अब देख पा रहे हो, इस तरह से आप ये वाला भी प्लांट लगा सकते हो। अगर आपके यहाँ हाइब्रिड विंका नहीं चल रहे तो आप देसी वाला विंका लगाइए। ये वाले भी प्लांट देखो कितने अच्छे से भर भर के फूल दे रहे हैं, अभी आए नहीं हैं फूलों को तोड़ने के लिए, अब आएंगे तब तो खोल देंगे सारे फूल। इनको फटाफट लगा रहता है फूल तोड़ने के लिए। इसने भी एक नई स्टिक निकाली है, तो हमारे यहाँ सारे फूल बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इनमें अंदर तक, इतने अंदर तक लगे हुए हैं, और ऐसे खुशबू इस प्लांट में अच्छे से खुशबू आती रहती है। तो चलो, उस साइड चलते हैं, विंका के बारे में हम बात कर रहे थे। ये वाले प्लांट भी बहुत अच्छे से मेरे चल रहे हैं, अडेनियम में भी देखो, ये वाइट अडेनियम कितने सारे फूल दे रहा है ना, ये देखिए। तो चलो, हम विंका के बारे में बात कर रहे थे, ये देखिए, तो देसी वाले प्लांट का देखिए कितना बड़ा फूल होता है ना। तो आप अगर आपके यहाँ हाइब्रिड विंका नहीं चल रही है तो वाइट और ये वाला जो ब्लू कलर होता है, ये वाले भी विंका को आप अच्छे से लगा सकते हो। इसका तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दोबारा प्लांट लगाने की, इनकी कटिंग लगाने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस इनके शीट गिरते जाएंगे और अपने आप
प्लांट बनते जाएंगे। तो आप अगर हाइब्रिड पे फोकस ना करके अगर देसी वाले पे भी फोकस करोगे तो ये सफ़ेद है और ये सफ़ेद है और ये दूसरे कलर का, तो इसका सफ़ेद विंका भी बहुत अच्छा लगता है देसी वाला। और ये हाइब्रिड है तो ये देख सकते हो, तो हाइब्रिड का भी, हाइब्रिड इसलिए मर जाते हैं क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, विंका ज़्यादा पानी की वजह से मर जाता है। बस अगर इसका पानी का अगर तालमेल आपने समझ लिया ना, तो ये प्लांट आपके पास सालों साल कहीं पे भी नहीं जाएगा हाइब्रिड वाला। बस जब भी पानी दो तो आप एक बार बस इतना करना है कि उंगली से पानी को चेक कर लीजिए, अगर उसके अंदर मॉइस्चराइज़र बना हुआ है तो पानी मत दीजिए, मिट्टी सूख जाए अच्छे से तभी विंका में पानी डालोगे, तो आपका विंका कभी नहीं मरेगा और सालों साल चलता रहेगा। और हाइब्रिड की आप कटिंग भी लगा लगा के एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, और मिट्टी इसकी अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि पानी डालते ही बस निकल जाए पोट में से, होल बड़ा हो पोट का जिसमें पानी ठहरे ना, और मिट्टी ऐसी भुरभुरी मिट्टी बनाओ जिसमें रेत हो गई और राइस हस्क हो गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मिला दीजिए, गार्डन सॉइल हो गई, तो उससे उस राइस हस्क और रेत मिलाने से मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाती है, और गार्डन सॉइल के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दोगे तो पानी रुकेगा ही नहीं विंका की मिट्टी के अंदर। थोड़ा राइस हस्क और रेत मिला दीजिए अपनी गार्डन सॉइल के अंदर, तो मिट्टी अपने आप भुरभुरी बन जाएगी और पानी रुकेगा ही नहीं। जब पानी रुकेगा ही नहीं तो फिर विंका मरेगा भी नहीं, पानी रुकने की वजह से ही विंका का प्लांट मर जाता है। तो बस पानी का ध्यान रखिए, मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए तो विंका आपका नहीं मरेगा। और देसी वाले लगाओगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, देसी वाले भी कहीं भी शीट कहीं पे भी गिरेंगे वो अपने आप उगता जाएगा। शीट तो इसके भी गिरते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसके भी शीट गिरेंगे तो ये भी अपने आप उग जाएगा। और जैसे अब ये वाला प्लांट आप देख पा रहे हो कि ये प्लांट छोटा ही प्लांट है, पिछले साल का प्लांट है ये मेरे पास, मैंने इसकी ज़्यादा कोई केयर भी नहीं की, छोटे से पोट के अंदर देख पा रहे हो, छोटे से पोट के अंदर लगा हुआ है। अगर पोट छोटा है तो प्लांट अगर छोटा है तो छोटा पोट दीजिए, और अगर प्लांट बड़ा है तो बड़ा पोट दीजिए। तो ऐसे नहीं कि पोट बड़ा दे दिया और प्लांट छोटा सा, तो ओवर वाटरिंग से वैसे ही प्लांट मर जाएगा। तो ये थी विंका के केयर टिप्स, तो लाइए विंका, इस वक्त विंका का भी सीज़न है और लगाइए, बहुत कलरफुल विंका इस वक्त मिल रहे हैं। मेरे गार्डन में भी विंका की कमी है, मैं भी जाऊंगी नर्सरी तो एक दो विंका के प्लांट लेके आऊंगी। फिर से यही कहूंगी, मिट्टी भुरभुरी बनाइए, पानी विंका में कम दीजिए और विंका की कटिंग भी लगाते रहिए, तो विंका आपका कहीं नहीं जाएगा। और देसी वाले लगाओगे तो सालों साल चलने वालों में से आपका विंका कहीं पे ही नहीं जाएगा। हाइब्रिड विंका में थोड़ी बस मेहनत होती है, और कटिंग लगाते रहोगे तो विंका आपके पास सालों साल बना रहेगा। तो ये थी विंका पे वीडियो, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखे, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो लगाइए, देसी वाले भी लगाइए। तो धन्यवाद जी।